नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में शिक्षा को लेकर जितना सख्त रुख अपनाए हुए हैं, उतना ही स्कूल प्रशासन द्वारा उनके आदेशों का मजाक बनाया जा रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़, घर बैठे शिक्षिकाएं फरमाती हैं आराम। सब पढ़े सब बढ़े की सच्चाई फिरोजाबाद से इसकी तस्वीरें सामने आई। गौरतलब है कि स्कूलों में बच्चों को जीवन जीने का तरीका और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन यह नजारा तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जहाँ शिक्षिका खुद ही 8 बजे स्कूल पहुँच रही है और ताला खोल रही है। ये पूरा मामला इका ब्लॉक के एक नगला नोजर प्राथमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षिका के लेट पहुंचने पर हमारे संवाददाता ने उनसे लेट होने की वजह पूछी तो महिला शिक्षक अंकिता हमारे पत्रकार के सवाल से नाराज हो बैठी और हमारी टीम के साथ अभद्रता करने लगी। लेकिन शिक्षिका का मन अभी भरा नहीं था। फिर उन्होंने हमारी टीम का मोबाइल तोड़कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद हमारी टीम ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस बुलाई और अपनी जान बचाई। जी हाँ, संविधान का चौथा स्तंभ कहलाने वाले पत्रकार, जो जनता को समाज की सच्चाई बताते हैं, लेकिन उसी सच्चाई को बताने की ऐसी सजा कि उल्टा उन पर ही शिक्षिकाओं को छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया जाए, आखिर ये कहाँ तक जायज है? जब ये मामला खुलकर पुलिस के सामने आया तो शिक्षिकाओं ने उल्टा पत्रकार पर ही शिक्षिका अंकिता ने छेड़छाड़ करने और हाथापाई करने का आरोप लगाया। लेकिन सच्चाई कितनी भी छुपाओ वो सामने आ ही जाती है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ। जब इस मामले का वीडियो सामने आया तो उसमें दिख गया कि शिक्षिका ही हमारी टीम के साथ बदसलूकी करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इस मामले पर तूल पकड़ते ही कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषी पाए जाने पर शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में आप बता रहे हैं कि लोग कई सालों से नहीं जा रहे, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक आदेश है कि शिक्षा के प्रति सभी शिक्षकगण और शिक्षिकाएं समय पर पहुँचें और समय पर पहुँच करके सभी बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। तो मनसा भी सरकार की यह है कि हर गांव गरीब किसान का मजदूर का बच्चा उसमें पढ़ लिख करके अधिकारी बने। तो इसलिए अभी कोई भी अगर घटना ऐसी है तो संज्ञान में अगर आई हो अधिकारियों के में, या फिर कोई अगर है तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे स्कूलों और शिक्षकों की लापरवाही से हमारे देश में पूर्ण साक्षरता का सपना आज तक अधूरा है और आज भी पत्रकारों को सच्चाई दिखाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता द्वारा लेट स्कूल आने की वजह पूछे जाने पर यह शिक्षिका किस तरह से भड़क गई और किस तरह से अभद्रता करने लगी हमारे संवाददाता के साथ, और इस हद तक अमादा हो गई कि पुलिस बुलाना पड़ा। पुलिस बुलाने के बाद भी इन्होंने इल्जाम लगाया कि इनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। वह अध्यापिका साहिबा, पहले आप बदतमीजी करेंगी, उसके बाद छेड़छाड़ का इल्जाम लगा देंगी। आप अध्यापिका है, आप क्या बच्चों को सिखाएंगी? फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।